जसप्रीत बुमराह का बवाल, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज बन रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा। जी हां, जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में धांसू प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज बन गए हैं और बुमराह ने इसी के साथ नया इतिहास बना दिया है, क्योंकि अब तक ऐसा करिश्मा कोई भी इंडियन तेज गेंदबाज नहीं कर पाया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ तीन इंडियन स्पिनर्स ही रहे हैं जो टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज बन पाए हैं। इसमें आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और बिशन सिंह बेदी का नाम शामिल है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कमाल ही कर दिया। इस गेंदबाज ने पूरे मैच में 91 रन देकर कुल 9 विकेट लिए हैं। बात करें बुमराह की पहली पारी की, तो 6 विकेट पहली पारी में लिए थे बुमराह ने और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे। बुमराह के इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया था। दरअसल बुमराह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपनी ही टीम के खिलाड़ी आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया है और नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली है। आर अश्विन पिछले साल मार्च से टॉप स्पॉट पर बने हुए हैं और इस गेंदबाज ने भारत के लिए दूसरे टेस्ट में 3 अहम विकेट लिए थे। साउथ अफ्रीका के पेसर हैं कगिसो रबाडा, वो दूसरे पायदान पर हैं। आपको बता दें कि अब तक बुमराह एक बार फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पायदान पर काबिज हो पाए थे। इससे पहले वो नंबर तीन पर आए थे और उससे पहले पायदान पर वो पहली बार ही आए हैं। भारत के लिए इस गेंदबाज ने 10 बार 5 विकेट हॉल लिया है। बुमराह के नाम साल 2024 में खेले गए टेस्ट मैचों में कुल 2 बार 5 विकेट हॉल भी है। इस फास्ट बॉलर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में 61 रन देकर 6 विकेट लिए थे दोस्तों, जबकि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 45 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर पर अगर आप निगाह डालेंगे तो देखेंगे कि अब तक 34 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने 2.72 की इकोनॉमी के साथ कुल 155 विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह की एवरेज अगर आप देखेंगे तो 20.19 की एवरेज के साथ ही उनकी स्ट्राइक रेट 44.55 की है। आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में धांसू परफॉर्मेंस करने वाले सिर्फ बुमराह को ही इसका इनाम नहीं मिला है, बल्कि यशस्वी जायसवाल, ये वो नाम है जिसको आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में गजब का फायदा हुआ है। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने 37वें पायदान से सीधे 29वें पायदान पर छलांग लगाई है। हालांकि इसमें टॉप पायदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोकने वाले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन का नाम है। कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस का फल उनको मिला है और आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग में सबसे नंबर वन बॉलर बनने के बाद एक बड़ा मुकाम हासिल किया और एक इतिहास भी रचा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में, अपने कॉमेंट्स आप हमें नीचे लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।